मतलब एक रेलवे ट्रैक होती है ना, वहाँ जो पत्थर होते हैं, कुछ उसी तरीके का सीन लग रहा है मेरे को यहाँ। क्या गाड़ी कैसे चलेगी अपनी भाई, गाड़ी पे चल सकती हो? नो 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 नो, ओ भाई 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 भाई। इस साइड हम लोग रुके थे आगे को जाने के लिए, बट रास्ता बंद था तो ब्रिज क्रॉस करके हमें दूसरे रास्ते से जाना था। बट प्रॉब्लम, आप लोग सोच रहे होंगे फराज भाई किधर अकेले अकेले जा रहे, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ यहाँ के हसीन नज़ारे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काजा टू रामपुर। हम लोग मनाली वाले रूट से जाने वाले थे, बट वो रूट अभी बंद है, हम वापस से जा रहे काजा से रामपुर के लिए। तो इसी मोमेंट पे करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज फराज, दैट्स खालिद ब्रदर, एंड वेलकम बैक टू द एफटी फ्लेम्स। तो भाई ये व्लॉग स्टार्टिंग करने का कितना बढ़िया मोमेंट है भाई, और कितना बढ़िया व्यू है। व्यू देखो भाई, व्यू व्यू देखो, जिधर गर्दन जाएगी नजर जाएगी पहाड़, बर्फ के पहाड़ी पहाड़। अभी चलते हैं हम लोग आगे भाई, भूख लग रही है यार भाई, यहाँ भूख लग रही है बहुत तेज की वो भी। हम लोग काफी देर से निकले हुए हैं, लगभग हमें एक घंटा हो गया निकले हुए। हमने सोचा पहले अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सा व्यू देख के अपने सब्सक्राइबर्स अपने व्यूवर्स को भी दिखाते। तो भाई अभी आगे को चलेंगे, वहाँ जाके कुछ खाएंगे पिएंगे भाई, उसका भी दिखाएंगे, उसका भी दिखाएंगे। एंड भाई खिला नहीं सकते यार, उस चीज के लिए माफी चाहते हैं। बाकी भाई एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कभी भी कोई इधर आने के लिए डिटेल से, आप कमेंट्स कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, बाकी वीडियो के कमेंट पे भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरी चीज, हम लोग जाने वाले थे मनाली साइड से, क्या है रास्ता बंद है। हम लोग सोच रहे थे पूरा सर्कल बनाते हुए जाएंगे, बट मनाली बंद ऐसा पड़ा नहीं है। हो सकता क्योंकि मनाली है बंद। बैड न्यूज। तो नो प्रॉब्लम, हम लोग चलते हैं अभी, एक न्यू रास्ता है वहाँ से चलेंगे। बहुत बढ़िया से एडवेंचर आएगा, ऑफ रोडिंग भी आएगी, जो खालिद भाई को पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, अब हो गई, अब हो गई, आदत पड़ गई। बट पीछे देखो बर्फ की पहाड़ियाँ बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है भाई, ये लेक भी जम जाती है, जम जाती है भाई, ये सारी फ्रोजन हो जाती है, फ्रोजन। ये देखो भाई, यहाँ जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है ना कैमरे के अंदर, ये सारा बर्फ से ढका होता है जब बर्फ पड़ती है। तो और ये रोड भी खड़े, ये भी, और वो वाली पहाड़ियाँ दिख रही है, वो सारी पहाड़ियाँ, ये होता है जनवरी में। तो आप लोग अगर इस साइड आ रहे हो तो फ्रेंड इस मौसम में आओ, बढ़िया है। अगर स्नो देखनी है तो दिसंबर या जनवरी में आ जाओ, बहुत बढ़िया से बर्फ मिलेगी इस मौसम में। आ जाओ तब भी मिलेगी भाई, लेकिन भाई स्नोफॉल नहीं मिलेगा, स्नोफॉल नहीं मिलेगा, लेकिन स्नोफॉल के लिए आपको यहाँ आने के लिए टाइम चाहिए होगा, टाइम चाहिए। तो अभी चलते हैं आगे को एंड बाकी बातें करते हैं हेलमेट। तो चलते हैं हम लोग आगे रामपुर के लिए, एंड कुछ बढ़िया से रास्ते में जाएंगे एंड कुछ एडवेंचर्स आप लोगों को दिखाएंगे। फ्रेंड काजा टू रामपुर आप लोगों को पूरी जर्नी दिखाएंगे, बढ़िया से किस तरीके से जा सकते हो, कैसे रोड है। एंड देखो इधर की पहाड़ी में कोई बर्फ नहीं, एंड इधर की पहाड़ी में बर्फ ही बर्फ, एंड बीच में जो पहाड़ दिख रहा है पूरा बर्फ से कवर्ड है। लुकिंग वाइज इट्स सो ब्यूटीफुल फ्रेंड, देखो आप लोग कितना ही शानदार व्यू है। एंड वो वाला व्यू देखो, अगर आप लोगों को सही से दिख रहा हो तो बादल एंड पहाड़ दोनों सेम लग रहे हैं, फ़र्क ही नहीं लग रहा, मतलब कि कोई बादल पास है या पहाड़ पास है, दोनों ऐसा लग रहा है इक्वल हाइट पर। बट ये नीचे में जो है देख रहे हो ना, ये पूरा सफ़ेद चादर सी हो जाती है जनवरी के टाइम में बर्फ़ से, बट अभी भी कुछ कुछ जगह बर्फ़ जमी हुई है। एंड टेम्परेचर यहाँ पर फ्रेंड -4 degrees था, बट रात ये टेम्परेचर था दोपहर का, एंड रात में -10, -11, -12। एंड खालिद भाई जाते हुए आगे, पहले तो यार भूख लग रही है, पहले हम लोग अब यहाँ से डायरेक्टली स्टॉप लेंगे किसी ढाबे पे, बाकी हमारा फ्यूल अप तो गाड़ी है बढ़िया से, गाड़ी के टैंक फुल है, गाड़ी का पेट भरा हुआ है, बट हमारा पेट खाली है, हमें भी अभी कुछ खाना है, तो आगे चल के कुछ देखते हैं मिल जाए तो। लेकिन यार यहाँ पर एक चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है खाने की, यार आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ मैगी एंड फ्रेंड चाउमीन मोमोज चाइनीज़ फूड ज़्यादातर मिलते हैं, बट आप लोगों को दाल मखनी वगैरह टाइप मिल जाएगा, बट और ज़्यादा चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बहुत कमी से, दाल मखनी सब्ज़ी मिक्स वेज वो भी बहुत कमी से मिलते हैं। आप लोग आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, खाने में ज़्यादातर मैगी मिलेगी, मैगी खा के बोर हो जाओगे। एंड अभी आपने पीछे देखा ट्रक आ रहा था, तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर एक गाड़ी आ रही है तो बाइक निकलने में भी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज रास्ता इतना ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा। ये देखो वहाँ के पहाड़ियाँ कितनी बढ़िया लग रही हैं,
भाई साहब, यो क्या है जी, यहाँ गाड़ी कैसे चलेगी अपनी भाई, गाड़ी पे चल सकती हो? नो 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 नो, ओ भाई 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 आगे कैसे जाएंगे भाई भाई, ओ भाई 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 कहोगे? अरे भाई देख रहे हो फ्रेंड, मतलब पूरे रोड पे स्नो 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 स्नो, ये देखो, और आगे तो भैया हम जा भी नहीं सकते। खालिद भाई ये क्या मिल गया? यही चाहिए था भाई, तो आगे चलते हैं पैदल पैदल भैया, गाड़ी नहीं जा सकती आगे को, बर्फ जमी हुई है काफी, बर्फ जमी हुई है, बाइक लेके जाएंगे तो वापस मोड़ के कैसे लाएंगे? बट फ्रेंड देखो देखो, यहाँ रोड पे बर्फ ही बर्फ, जहाँ तक जाओगे वहाँ तक बर्फ ही बर्फ पे, पूरा रोड बंद हो रखा है ये, एंड ठोस बर्फ है यार एकदम ठोस बर्फ। देखो फ्रेंड ये बर्फ का रास्ता बना हुआ है भाई, जितना आगे जाओगे उतनी बर्फ मिल जाएगी, देखो कहाँ तक बर्फ है, एंड देखो ये देखो खालिद भाई पत्थर है ये तो, ओ भाई ये सब भाई पैर में लग जाएगी, ये पत्थर पे बर्फ है, तो देखो ये कुछ पत्थरों पे बर्फ है फ्रेंड, ये देखो इसमें घूसा नहीं मार सकते, ये बर्फ है लेकिन भाई वो पत्थर है पूरा, मैंने हाथ मारा पट्टे से लगा, इतनी ज्यादा गिरती है ना ये पत्थर, हाँ। ऐसी हो जाती है। तो वापस चलते हैं, आगे बाइक नहीं जा सकती, वापस उस ब्रिज से क्रॉस करके निकलेंगे, तो दूसरे रास्ते से निकलेंगे अभी हम लोग, बिकॉज इस रोड पे तो स्नोफॉल हो चुकी है, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा बिकॉज इस रोड पे हो चुकी है स्नोफॉल, तो आगे को हम लोग नहीं जा सकते। ओहो एंड देखो ये कुछ, ये देखो फ्रेंड इस साइड हम लोग रुके थे आगे को जाने के लिए, बट रास्ता बंद था तो ब्रिज क्रॉस करके हमें दूसरे रास्ते से जाना था, बट प्रॉब्लम, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आई डोंट नो फ्रेंड कैसे, बट हम लोग जा रहे थे एंड जाते जाते खालिद भाई की बाइक में अचानक से भाई पंचर, भाई ये क्या हो गया? ये देखो बर्फ से पंचर चेक कर रहे हैं हमारे खालिद भाई, तो बहुत मेहनत लगती है, मतलब बाइक में पंचर हो गया, हमारे पास पंचर किट तो है बट एयर प्रेशर नहीं है, तो हमारे साथ कुछ बाइकर्स इस आए हुए थे, एक ड्यूक 390, एक डोमिनार, तो ये भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं, भैया हमें एयर प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, पंचर किट हमारे पास है तो पंचर जुड़वा के फिर यहाँ से, बाइकर्स ने हमारी काफ़ी हेल्प कर दी थी अपने एयर प्रेशर से, हमारी गाड़ी में हवा डाल दी, पंचर किट हमारे पास थी, तो अभी हम लोग काफ़ी आगे आ गए, पंचर हमारा मतलब 30 का एयर प्रेशर कर दिया था हमने उसके अंदर में, एंड हमें फाइनली पंचर की शॉप मिल चुकी है इधर में, एंड बाइक हमारी रेडी हो रही है, बाइक में पंचर वापस से बन रहा है एंड वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड उन बाइकरों को दिल से थैंक यू। तो अब हम लोग फिर वापस से अपनी डेस्टिनेशन पर निकल रहे हैं, बाकी मेरा काम ओके हो गया है भाई, बिल्कुल अब फराज भाई की बाइक में भी हवा वगैरह चेक करा लिया हमने, वो भी करा लिया, मेरी गाड़ी में भी पंचर हो गया है भाई, लेकिन उन बाइकर्स को बाइकर्स के लिए भाई दिल से थैंक यू, क्योंकि मैं उनको हाई कर रहा था बट वो लोग आ गए थे, बट उनको भी शूट करना था तो उन्होंने भी कर लिया, फिर मेरे को लगा उनके पास होगा पंचर की, हमारे पास थी बट हमें लगाना नहीं आता, लगाना अगर आपको फर्स्ट टाइम का लगा था, बट क्या पंचर बड़ा था, पंचर काफी बड़ा था, एयर प्रेशर में थोड़ा कम लीकेज हो रहा था, बट अभी एयर प्रेशर लीकेज नहीं हो रहा था, टायर ही लीकेज हो रहा था क्योंकि पंचर प्रॉपर लगा नहीं था, प्रॉपर लगा नहीं था, अभी ओके हो गई है, चेक कर लिया मैंने, फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। हम लोगों ने स्टॉप लिया था कुछ खाने के लिए, बहुत देर से हम लोग चलते जा रहे थे, कुछ खाया नहीं था, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगने लगी थी, बट इधर रुके थे, इधर के मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी थे एंड मैगी भी, तो खालिद भाई क्या करने में लग रहे हो ये? भाई ये फ्लैग लगा रहा हूँ आपकी गाड़ी में, तो मैंने ये वाला फ्लैग लिया था गाड़ी पे लगवाने के लिए, तो इसे फटाफट से लगाते हैं भाई, लगाना क्या बांधो यहाँ? हाँ जी इधर ही लगा दो, ऐसे ही लगा दो, शाहनवाज भाई बांध बट इसे लगा लेते हैं एंड आगे को चलते हैं, बाकी हम लोग लगभग काजा से भाई कितने किलोमीटर आ गए, 100 एंड 110 किलोमीटर अराउंड आ गए, बाकी अभी हमें 200-250 किलोमीटर गाड़ी और चलाना बाकी है, तो
तो फाइनली कुछ इस तरीके से लगा दिया है हमने ये फ्लैग, बहुत बढ़िया लग रहा है। बट अभी यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाना पीना अपना हो गया, आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो मोमोज खा सकते हो, बहुत बढ़िया है। तो यार हमारी कोशिश कुछ इस तरीके की है कि जल्दी से ऑफ रोडिंग पार कर लें, दिन दिन में अंधेरा होने के बाद ऑफ रोडिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है, बिकॉज जब आ रहे थे तो ऑफ रोडिंग उतरती हुई थी, अब जा रहे हैं तो ऑफ रोडिंग चढ़ती हुई है, तो बहुत ख़तरनाक होने वाला है ऑफ रोडिंग का सीन, बहुत डेंजर होने वाला है। इसलिए हमारी यही थॉट है कि फटाफट से ऑफ रोडिंग ख़त्म करते हैं पहले, उसके बाद में आगे गाड़ी फटाफट खींचते हुए निकल जाएंगे। एंड आज का प्लान प्रॉपर तो यही है कि रामपुर में स्टे करें, बाकी अंधेरा हो जाता है तो देखते हैं क्या होता है, बाकी कोशिश तो यही है रामपुर में स्टे करने की। बाकी रास्ते देख रहे हो एंड उधर आते हुए खालिद भाई, बाकी आप लोग काजा से अगर रामपुर जा रहे हो तो ये रूट जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है फ्रेंड, बी वेरी केयरफुली राइडिंग, एकदम से कहीं से भी कैसे भी कटा जाता है। और हाँ, अगर आप ब्रेक मार रहे हो तो लगातार ब्रेक को दबाए मत रखना, अगर आपकी गाड़ी में ABS है तो बैक हो या फ्रंट हो कोई सा भी ब्रेक हो, आपको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है कुछ इस तरीके से। अगला वाला मतलब आगे वाला ब्रेक तो बहुत कमी से यूज़ करना है, पीछे वाले ब्रेक को आपको कुछ इस तरीके से पुश करके उतारनी है, चढ़ानी है, इस तरीके से करना है। बट ये पहाड़ी देखो क्या ही ऑसम है यार, सच में बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है ये लुक। एंड देखो ये लेक, यार ये लेक इतनी बड़ी है, हम लोग इसे कब से देखते हुए आ रहे हैं, हमारे साथ साथ ही चल रही है, बहुत बड़ी लेक है ये। तो फ्रेंड देख रहे हो कितना ही ज़्यादा खतरनाक रास्ते, एकदम टूटे फूटे, ऑफ रोडिंग एकदम खतरनाक, सिर्फ बाइक एकदम स्किड हो जा रही है यहाँ पर, तो बस हमें यही वाले रास्ते फटाफट से पार कर रहे हैं ऑफ रोडिंग वाले, एंड उसके बाद हम फटाफट से पहुंच जाएंगे हाइपर राइडिंग करते हुए रामपुर, एंड हो सकेगा तो रामपुर को भी एक्सप्लोरिंग करेंगे। बट यहाँ देखो, और मतलब एक रेलवे ट्रैक होती है ना वहाँ जो पत्थर होते हैं, कुछ उसी तरीके का सीन लग रहा है मेरे को यहाँ। ओ भाई, ओ हो हो हो, ये क्या हो गया, रे 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 गए गए गए, ओ भाई मैं स्पोर्ट्स बाइक से एडवेंचर चल रहा है यहाँ पर, देख रहे हो ट्रैकिंग बाइक है अपने पास और अब इससे एडवेंचर कर रहे हैं माउंटेन्स में, तो कम से कम 30 से 40 किलोमीटर का ये एडवेंचर है। इसे पार करने के बाद हम लोग एक बहुत ही बढ़िया रोड पे पहुँच जाएंगे कुछ इस टाइप के, लेकिन वो कुछ ज़्यादा चौड़ा भी होगा एंड साइड में डिवाइडर भी होंगे। तो फ्रेंड आप लोग भी अगर आ रहे हो इस साइड तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुली राइडिंग, यहाँ के टर्न जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और बस कुछ इस तरीके की ऑफ रोडिंग है, लो खाए जस्ट नीचे ही खाए, एंड हो सके तो आप पहले गियर पे गाड़ी चलाओ आराम से बिल्कुल। ओहो, अभी हमें कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा एंड उसके बाद में ये रोड बन के तैयार हो जाएंगे, स्पीड ना बढ़ाओ जी, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इन रोड्स को तैयार होने में फ्रेंड्स। फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुह, एंड मेरी गाड़ी चल चुकी है देखो पूरे 1000 किलोमीटर, तो हम लोग वापस से पुह, कितना फनी सा नाम है ना पुह। जस्ट जोकिंग टाइम फ्रेंड, हम लोग एक विलेज, जैसा कि आप लोगों ने पहले, मैंने आप लोगों को पिछले किसी एपिसोड में ही बताया था, मुझे याद नहीं, बट वहाँ हम लोग रुके थे पुह, तो हम लोग अभी पुह के अंदर में पहुँच चुके हैं, एंड अभी यहाँ से लगभग 140-150 किलोमीटर अराउंड और गाड़ी चलाना है हमें, एंड खालिद भाई हमारा वेट करते हुए रुके थे बिकॉज मुझे कैमरा सेट करना था पीछे में तो मैं रुक गया था, एंड अभी यहाँ से हमें लगभग 140-150 किलोमीटर अराउंड गाड़ी और चलानी है। शाम के बज चुके हैं 5, तो अभी कम से कम 8 बज जाएंगे फ्रेंड हमें चलाते पहुँचते, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते हैं टेढ़े, तो यहाँ कंपलसरी स्पीड तो रख नहीं सकते, बहुत आराम से गाड़ी चलानी रहती है, फास्ट हम लोग चला नहीं सकते, सीधे रोड हो तो 1 घंटे में 100-120 किलोमीटर कवर हो जाता है। बट यहाँ जो है रास्ते आप लोगों के सामने कितने ख़तरनाक से, बट यार आज ना
हम लोग बर्फ़ के ऊपर में, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा जब हम बर्फ़ के ऊपर गए थे, जब बर्फ़ में हमने मज़े लिए थे, तो वहाँ इतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी ठंड आज लग रही है। क्योंकि सामने में देखो बर्फीले पहाड़ हैं और उनकी वजह से इतनी चिल्ड हवा आ रही है, एकदम इतनी चिल्ड, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मान लो यार बिल्कुल ठंड लग रही है, बहुत तगड़ी वाली। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग रामपुर पहुंच गए थे इतनी रात में, रात में पहुंचे थे काफी रात में, एंड एडवेंचर खतरनाक वाला हो गया। गाड़ी हमने चला ली थी 350 किलोमीटर, कम से कम 350 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली थी, खींची है भाई कल, वो भी भाई इतने डेंजरस रास्तों में, डेंजरस रात बहुत ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है भाई, रात बहुत ज्यादा, लेकिन रात में दिखते नहीं है, दिन में जितने दिखते हैं रात में हमें पता है किस तरीके से गाड़ी चलानी पड़ रही थी। पहले मेरी उसके जस्ट बराबर में खालिद भाई की, ताकि लाइट तेज हो जाए, आगे का दिख जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत है, हेडलाइट एक सिंगल हेडलाइट से पता नहीं लग रहा था, बट भाई एडवेंचर हो गया, एक बार रात में चलाने का भी एक्सपीरियंस मिल गया, बढ़िया रोड कैसे है। लेकिन फ्रेंड यही रिकमेंड करेंगे, हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग रात में राइड मत करो, हम लोग काफी टाइम से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है चला सकते हो तो ही रात में राइड करो, नहीं तो बहुत ज्यादा केयरफुली। तो वो देखो कुछ होटल पहचान रहे होंगे, केसी एजेंसी, रामपुर से काजा जाते टाइम हम लोग रुके थे, तो रात बहुत थक गए थे इसलिए हमने व्लॉग को एंड नहीं किया। सेम होटल हमें मिला नहीं क्योंकि उसमें सारे भाई पूरे रामपुर में मेरे हिसाब से सबसे लग्जरी होटल वही है, वही है सबसे अच्छा होटल पूरे रामपुर, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आ रहे हो तो केसी रेजिडेंसी पे रुको, स्पॉन्सर्ड ही है, अपनी तरफ से बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो रात थक गए थे फ्रेंड इसलिए हमने व्लॉग को एंड नहीं किया, तो कर देते हैं व्लॉग को यहीं खत्म, अब नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी है, नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक छोटा सा हमारा काम करना है, क्या करना है भाई, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन जरूर दबाना है, और कमेंट करके बताना जरूर है कि ये ट्रिप आप लोगों को कैसी लग रही है, स्पीति ट्रिप, काजा ट्रिप, तो फ्रेंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।